कोयलांचल इन दिनों भीषण गर्मी में तप रहा है और इसी तपिश के बीच सियासी फिजा भी गर्मा रही है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में यहां जोर आजमाइश समीकरण नापे तोले जाने लगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी डुल्लू महतो सुबह होते ही चुनावी तैयारी में जुट जाते हैं, क्षेत्र का दौरा यहां बैठक कर करते हैं, तो वहीं कांग्रेस कैंडिडेट अनुपमा सिंह भी बड़े नेताओं से आशीर्वाद ले रही है। दोनों खेमों के लिए असंतुष्टों को मानना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस प्रत्याशी पर बीजेपी धनबाद को नहीं समझने और धनबाद पर प्रत्याशी को नहीं पहचाने का आरोप लगाकर निशाना भी साध रही है। बीजेपी का कहना है कि परिवारवाद के इस चेहरे ने ढुल्लू महतो की बड़ी जीत पक्की कर दी है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, अब चुनाव को बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, लगातार नेताओं का दौरा भी देखा जा रहा है, अलग अलग नेता अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और चुनावी वादे करते हुए आम जनता से नजर आ रहे हैं। कोयलांचल के हालांकि भीषण गर्मी के बीच भी नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा अरुण। देखिए निशान, निश्चित रूप से कह सकते हैं, जो आप मान लीजिए चुनाव की तिथि अब आ गई है, आज पूरे देश में पहले चरण का मतदान हो रहा है और झारखंड की बात कर लें तो पहले चरण के लिए दूसरे चरण में यहां मतदान होना है और उसके लिए नोटिफिकेशन भी हो गई है चार सीटों के लिए। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में चूंकि 25 मई को होना है, छठा दौर जब आएगा उस समय का है, लेकिन बीजेपी और इंडी गठबंधन, एनडीए और इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके उनका पिक्चर जो है वो क्लियर हो गया है। एक ओर से बीजेपी ने ढुल्लू महतो को बहुत पहले टिकट अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था और वो तूफानी दौरा कर रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन की ओर से दो दिन पहले बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा को कैंडिडेट बनाया गया है। अब इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता के लोग, एक ही पार्टी के लोग, जिसमें कांग्रेस की जो कैंडिडेट है अनुपमा सिंह, उनके घोषणा के बाद बहुत सारे नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि ये परिवारवाद को जो बीजेपी जो आरोप लगा रही थी उसको बढ़ावा देने का काम पार्टी के आला कमाल नेता कर रहे हैं। केंदुआ में कुछ जिला स्तरीय भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सीधे सीधे कहा कि ये जो राहुल गांधी के जो न्याय यात्रा का जो सीन था वो धनबाद में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ओबीसी वर्ग से कैंडिडेट चाहिए था ढुल्लू महतो को टक्कर देने के लिए, लेकिन बोकारो बेरमो विधायक की पत्नी को यहाँ का कैंडिडेट बनाकर एक तरह से बीजेपी के लिए भी रास्ता सुगम बनाने का काम पार्टी के आलाकमान नेताओं ने किया है। बीजेपी तो खुलकर वार कर ही रही है निषाद की ये परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि ढुल्लू महतो की चरित्र के कारण यहाँ पे महिला कैंडिडेट को दिया गया है और उसका फायदा उन्हें मिलेगा, पब्लिक जो है वो इंडी गठबंधन के साथ जाएगी। लेकिन सब कुछ देखा जाएगा जब 25 तारीख को वोल होगा और 4 जून को काउंटिंग होगी, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। वैसे कह सकते हैं आप, जो ढुल्लू महतो लगातार फील्ड के बीच जा रहे हैं क्योंकि उनका भी कार्य क्षेत्र वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का बागमारा विधानसभा क्षेत्र रहा था और ये धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बागमारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। धनबाद जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और बोकारो के चंदन क्यारी और बोकारो विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में वो दिन रात एक किए हुए हैं, पूरे पसीना बहा रहे हैं। तो अनुपमा सिंह भी लगातार पिछले 2 दिनों से फील्ड का दौरा कर रही है और लगातार लोगों से मिल रही है। जी बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से सुबह होते ही ढुल्लू महतो जो है पूजा करते हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आते हैं, हालांकि कांग्रेस कैंडिडेट अनुपमा सिंह पर भी तमाम बड़े सवाल जो है वो नेताएं उठा रहे हैं और हालांकि अनुपमा सिंह भी बड़े नेताओं से आशीर्वाद ले रही है। अब दोनों खेमों के लिए असंतुष्टों को मनाना एक बड़ी चुनौती जरूर है क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी पर भी बीजेपी धनबाद को नहीं समझने और धनबाद पर प्रत्याशियों को नहीं पहचाने का सीधा सीधा आरोप जरूर लगा रही है और निशाना भी साध रही है। बहरहाल अब देखने वाली होगी कि जनता क्या फैसला करती है, जनता किसे अपना सरदार बनाती है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए अरुण बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।